यहाँ हम डिफरेंशियल वेक्टर एलिमेंट्स यानी कि dr, ds और dl क्या होते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। सपोज ये xy कोऑर्डिनेट्स हैं, ये i डायरेक्शन है, ये j डायरेक्शन है। इसमें सपोज हम कोई कर्व ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। सपोज ये पॉइंट इसका, इसको हम p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको अगर हम ओरिजिन से मिला दें तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, इसको हम r वेक्टर बोल रहे हैं। तो r को हम क्या लिख सकते हैं, r को हम लिख सकते हैं x i प्लस y j। इसको डिफरेंशिएट कर दे तो dr आ जाएगा dx i प्लस dy j। डिफरेंशिएट करना वेक्टर को हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। यहाँ पर dr है डिफरेंशियल इंक्रीमेंट इन r वेक्टर, dx और dy इंक्रीमेंट है x और y में। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं r प्लस dr तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा x प्लस dx i प्लस y प्लस dy j। अब देखिए p पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं मान लिया और x पे और y पे, तो ये डिस्टेंस x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्टेंस y को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे देखिए ये r वेक्टर है, ये r प्लस dr है, मीन्स अगर r में हम dr चेंज करें तो कौन सा वेक्टर होगा, तो x x प्लस dx हो जाएगा, y y प्लस dy हो जाएगा। इस पॉइंट को हम प्लॉट कर रहे हैं, मान लिया यहाँ प्लॉट कर रहे हैं, dx dy और dr बहुत ही स्मॉल है लेकिन हमने दिखाने के लिए थोड़ा दूर माना है इसको, तो ये पॉइंट हम मान रहे हैं q। तो यहाँ से परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करते हैं तो ये dx को रिप्रेजेंट कर रहा है, y पे ड्रॉप करते हैं तो ये dy को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम p से q को मिला दे तो ये जो pq वेक्टर होगा वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो dr को रिप्रेजेंट करेगा। तो pq कितना हो गया, dr। इसी तरीके से o से q पर मिलाने पे जो oq वेक्टर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, r प्लस dr को। अब देखिए ये r और r प्लस dr ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कर्व ये दिया हुआ है आपको, सपोज ये कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए पॉइंट बोल रहे हैं इसको, और इस लेंथ को हम, इस ए पॉइंट से पी की लेंथ को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एस जो है बेसिकली ये एक स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ है, लेकिन अगर हम इस कर्व के अलोंग चलते हैं तो हमें किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना होगा, कर्व के टेंजेंशियल डायरेक्शन में चलना होगा। तो अगर हम ds की बात करें तो ds बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ds उसी इंक्रीमेंटल डायरेक्शनल चेंज इन लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए यहाँ पे dx और dy टेंडिंग टू जीरो है, बहुत ही स्मॉल है, dr भी टेंडिंग टू जीरो होगा। यहाँ पर हमने पिक्चर में डायग्राम में बड़ा बना हुआ है, लेकिन आप देखिए अगर q पॉइंट को p की तरफ आप खिसकाते जाए, शिफ्ट करते जाए, तो यहाँ पर dr वेक्टर और ds वेक्टर हम सेम ले सकते हैं। अब s चूंकि लेंथ है इसको हम कई बार l से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ds के लिए एक और टर्म क्या हो गया, dl वेक्टर हो गया। तो यहाँ पर dr, ds और dl जहाँ जहाँ भी यूज हो रहे हैं बेसिकली इनका सेम ही मीनिंग होगा। हम ds और dl को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा dx i प्लस dy j।